आई नो कि इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से अधिकांश लोग यंग हैं, यूथ हैं, और अभी आपके बॉडी में जितनी एनर्जी है, आपके पास जितना ताकत है, आपका ब्रेन जितना तेजी से सोच सकता है, आपका स्टेमिना जितना ज्यादा हाई है, आपका टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा पीक पे है, आप जितना क्रिएटिव बन सकते हो, आप जितना ज्यादा नई चीजों को सीख सकते हो, जितना रिस्क ले सकते हो, उतना आप पूरी लाइफ में कभी भी नहीं ले पाओगे। अगर आप अपने इस प्रेजेंट एज को पूरी लाइफ के साथ भी कंपेयर करोगे ना, फिर भी हार जाओगे। अभी आपके बॉडी में इतना एनर्जी है, इतना आप क्रिएटिव हो कि आप चाहो तो आने वाली 7 पीढ़ियों को बदल सकते हो। लेकिन इसी एज में लोग सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, और जो व्यक्ति इस एज में अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लिया, वो अपने लाइफ को बना लेता है, और जो नहीं कर पाया वो अपने लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय बर्बाद कर देता है। और अभी डिस्ट्रैक्शंस का जो सबसे बड़ा कारण है वो है काम वासना, यानी ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित होना। एक लड़का है तो वो लड़की के प्रति आकर्षित हो रहा है, एक लड़की है तो वो लड़के के प्रति आकर्षित हो रहा है, और इसी आकर्षण को लोग प्यार मानकर अपने पूरे करियर को दांव पर लगा रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आज का ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देने वाली है। आपका फोकस इतना ज्यादा बढ़ जाने वाला है कि आपको केवल अपना करियर और सक्सेस ही दिखाई देगा, बाकी सब कुछ ब्लर हो जाने वाला है। आज हम लोग यही नहीं समझेंगे कि लोग इससे इतना ज्यादा आकर्षित क्यों हो रहा है, बल्कि ये भी समझेंगे कि इसके आकर्षण के पीछे का कारण क्या है और आप कैसे इससे बच सकते हो। और आज हम लोग इसके जड़ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को जड़ से नहीं खत्म करते हो तो वो आपको दोबारा से हो जाएगी। आप कुछ टाइम के लिए तो उससे दूर होगे, लेकिन आप दोबारा से उसी जाल में जाकर फंस जाओगे। और इसीलिए अगर हमें काम वासना को खत्म करना है तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि काम वासना का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, नेचुरली हमारे अंदर जो कुछ भी है, हमारे जो भी अंग हैं, उसकी कुछ ना कुछ जरूरतें हैं, और ये जो वासना है एक तरह का भावना है जो कि उन जरूरतों को प्रकट करने का काम करता है, यानी उस चीज की कमी का हमें एहसास करवाता है, और हम लोग उसी चीज के प्रति आकर्षित होने लगते हैं ताकि हम अपने शरीर को उस चीज की कमी को पूर्ति करके दे सकें। जैसे किसी को धन की कमी है तो उसे धन के प्रति वासना है, धन के प्रति आकर्षण है, और जब यही वासना, यही आकर्षण किसी को शारीरिक रूप से हो जाता है तो इसी को कहते हैं काम वासना। यानी वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी, एक प्रकार की जरूरत का एहसास करवाना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम लोग जैसे माहौल में रह रहे हैं, जैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, आज जैसा हम लोग का फ्रेंड सर्कल है, वो हर वक्त किसी ऑपोजिट जेंडर के प्रति ही बात करते हैं कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, उसकी ये गर्लफ्रेंड है, उसके पास 2 गर्लफ्रेंड है, या फिर उसकी शादी हो गई, वे लोग वहाँ साथ घूमने गए, या फिर ये वीडियो देखा तुमने, ये वीडियो वायरल हो रही है, या फिर देखो देखो वो वहाँ से जा रही है, या फिर किसी बाइक से भी जा रहा है तो वो अगल बगल देखते हुए जा रहा है। यहाँ तक हम लोग जिस सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं वहाँ भी हमें यही दिखाया जा रहा है कि 2 लड़के लड़कियां हैं जो कि आपस में बहुत ज्यादा खुश हैं, वो लोग नाच गा रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, और हमें ये दर्शाया जा रहा है कि वो आपस में बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं वाकई में, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब एक झूठी दुनिया है। अब हमें हर तरफ से यही चीजें दिखाई जा रही है तो हम लोग अपने अंदर एक कमी का एहसास करने लगते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास यही चीजें हैं और सबको ही बहुत ज्यादा खुश है। अब हमारे पास ये चीजें नहीं हैं तो हमें एक इनसिक्योरिटी महसूस होती है, हमें एक कमी का एहसास होता है कि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे हम लोग शारीरिक रूप से आकर्षित हो पाए। और अगर आप इन सब चीजों के बारे में नहीं भी सोच रहे हो तो आप 4 दोस्तों के बीच हो तो वहां भी यही बातें हो रही है, यानी कि हर तरफ से आपके अंदर इस चीज की कमी का एहसास करवाया जा रहा है। और यही कारण है कि आज के यूथ इन सब चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, वो ऑपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बार बार उसके अंदर इस चीज की कमी का एहसास करवाया जा रहा है, उसके अंदर काम वासना को जन्म दिया जा रहा है। और अगर कोई यूथ इन सब चीजों से बच भी जा रहा है तो उसके हाथ में पूरा दुनिया पड़ा हुआ है, वो उसी से अपने काम वासना को जन्म दे रहा है, यानी कि आपका मोबाइल। तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि काम वासना इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है, इतना ज्यादा इसे बुरा क्यों माना जा रहा है। ठीक यही सवाल चंद्रगुप्त ने चाणक्य से करा था, जब चंद्रगुप्त को एक स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण हो गया था, तब चाणक्य कहते हैं कि काम वासना बुरा नहीं है, आज काम वासना के वजह से ही लोगों का अस्तित्व बना हुआ है, आज जितने भी जीव जी रहे हैं वो काम वासना के वजह से ही जीवित हैं, लेकिन उनके लिए काम वासना बहुत ज्यादा खतरनाक है जिसका लक्ष्य बड़ा है, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, क्योंकि वासना में बहुत शक्ति होती है जो आपको लक्ष्य से यूं ही भटका सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है? क्या आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हो? अपने जीवन को ऐसे ही जीना चाहते हो?
क्या आप अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते हो? आपको अपने आसपास और अपने दोस्तों के बीच ही ऐसे लाइव एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे कि पहले वो लड़का बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में था, बहुत अच्छे तरीके से किसी काम को कर रहा था, लेकिन वो किसी कारणवश किसी स्त्री के आकर्षण में आता है, उसके साथ प्रेम में आता है और किसी कारणवश वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब वही लड़का जो पहले अच्छे से पढ़ रहा था, अच्छे से काम कर रहा था, अब वही काम वो नहीं कर पा रहा है। उसकी सिचुएशन पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है केवल और केवल वासना के वजह से। इसलिए वासना अपने जगह पे ठीक है, लेकिन अगर आप इसे गलत समय पे नहीं करते हो तो। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी आप उस एज में हो जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो चाहोगे वो पा सकते हो, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हो, लेकिन आप यही समय को काम वासना में बर्बाद करोगे तो आप क्या ही कर पाओगे? काम वासना कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन ये जो वक्त है ये है आपको अपने करियर को बनाने का, अपने जीवन को संवारने का। तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम लोग इस वासना से बच सकते हैं? तो जी हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे अगर आप केवल ध्यान रख लेते हो तो आप इन सब चीजों से बहुत हद तक बचे रहोगे। एक समय के बाद आप इसका भोग करोगे, लेकिन आप इसके प्रति अपने जीवन को बर्बाद नहीं करोगे, अपने करियर को दांव पे नहीं लगाओगे, क्योंकि अंततः आपको इसका भोग करना ही है। सबसे पहला तरीका कि जीवन में एक बड़ा लक्ष्य बनाओ और हर रोज उसके लिए मेहनत करो। जब तक आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप इन छोटी छोटी चीजों से आकर्षित होते रहोगे। इसलिए सबसे पहले एक बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसके लिए हर रोज मेहनत करो, हर रोज पढ़ाई करो, जो भी उसका काम है वो हर रोज करो। आपने ये देखे होंगे कि जब आप बहुत ज्यादा डीप वर्क करते हो, अपने आप को बहुत ज्यादा फोकस रखते हो, तो उस वक्त आपको किसी भी तरह का कोई भी वासना परेशान नहीं करता है। तो अपने लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ, जो भी लक्ष्य है उसके लिए हर रोज काम करो, बहुत ज्यादा डीप वर्क करो। जब आपका पढ़ाई है पढ़ाई करो, कोई और काम है तो और काम करो, लेकिन अपने आप को भटकने से बचाओ। दूसरा तरीका कि कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है वो उसी की तरह बनने लगता है। तो सबसे पहले अपनी संगति सुधारो। अगर आपके दोस्त ही ऐसे हैं जो हर वक्त गंदी चीजों पे बात करते हैं, हमेशा नेगेटिव चीजों पे बात करते हैं, ऑपोजिट जेंडर के ऊपर बात करते हैं, तो तुरंत ही उस दोस्ती को छोड़ो और एकांत में आ जाओ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है वो उसके जैसा बनने लगता है। तो आप अगर अपने साथ सबसे ज्यादा रहोगे तो आप अपने जैसा बनोगे, आप जो बनना चाहते हो वो बनोगे। तीसरा तरीका कि एक घड़े में पानी रखा हुआ है और मैं उसमें ग्लास डालता हूँ तो उसमें से पानी ही बाहर आएगा। ठीक उसी तरीके से आपके अंदर जो है वही चीजें बाहर आएगी। अगर आप नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आप नेगेटिव चीजों को सुनोगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, तो आपके अंदर से भी नेगेटिव चीजें ही बाहर आएगी। इसलिए अच्छे चीजों को कंज्यूम करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे चीजों को पढ़ो, अच्छे चीजों को सुनो, अच्छे चीजों को देखो, अच्छे वीडियोस को देखो। चौथा तरीका, ये जो काम वासना है ये एक तरह का वेग है, एक एनर्जी है, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि एनर्जी को हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं बल्कि केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अपने आप को उन सब चीजों के लिए लगाओ जो कि आपको बना सकती है, आपके करियर को बना सकती है। अपने आप को उन सब चीजों के लिए बिजी कर दो। आपके पास उतना समय ही नहीं बचना चाहिए कि आप गलत लोगों के साथ घूमो, गलत चीजों को सीखो, गलत चीजों को बोलो या फिर गलत चीजों को कंज्यूम करो। तो झोंक दो अपने आप को मेहनत की आग में, क्योंकि यही समय है अपने आप को बनाने का, अपने करियर को बनाने का, अपने लाइफ को बनाने का। अगर ये समय एक बार आपके हाथ से निकल गया ना तो दोबारा समय भी नहीं आएगी और आप अपने जीवन को बना भी नहीं पाओगे।